दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक जंगल के अंदर दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों के बीच में विवाद लगे ही रहते हैं, और इस विवाद के अंदर जिस जानवर का बल दूसरे जानवर से ज्यादा होता है अंततः वही जीत हासिल कर लेता है। दोस्तों, एक जंगल के अंदर हमेशा ही एक खूंखार जानवर अपना भूख को मिटाने के लिए किसी दूसरे कमजोर जानवर के ऊपर हमला कर देता है, और इसके बाद उस जानवर को मारकर ही वो खूंखार जीव अपना पेट भरता है। दूसरी तरफ ये कमजोर जानवर भी कुछ खास पैंतरा अपनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, जंगल के अंदर हर एक जीव को ही अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीव किसी दूसरे जीव की सहायता नहीं करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी कभार घने जंगलों के गहराइयों में हमें कुछ ऐसे खास नजारे भी देखने को मिल जाते हैं कि जिन्हें देखने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन जानवरों के पास भी एक दिल होता है और इनके अंदर भी मदद करने की भावना काम करती है। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही नायब नजारा दिखाने जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक जंगली सुअर जंगल के एक छोर पर अपने बच्चों के साथ घूम रही है। यहां पर शायद यह मादा सुअर अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इन घने जंगलों के अंदर जब कोई माँ अपने बच्चों को लेकर घूमती है तो तब उसके ऊपर बहुत सारे खतरे मंडराते रहते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर बहुत सारे खूंखार जानवर हमेशा ही उनके ऊपर हमला करने के फिराक में घूमते रहते हैं। और शायद यहाँ पर इस मादा सुअर को भी इस बात का अंदाजा है, और शायद इसीलिए ही ये मादा सुअर अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जल्द से जल्द जाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये मादा सुअर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या ये मादा सुअर अपने इन बच्चों को लेकर सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी? आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहां पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक खूंखार लेपर्ड की नजर अब उस मादा सुअर और उनके छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पड़ गई है, और दोस्तों अब ये खूंखार लेपर्ड अपनी भूख को मिटाने के लिए उस मादा सुअर और उसके छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ही हमला करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये लेपर्ड उस सुअर के ऊपर हमला करने की तैयारी में लग गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये लेपर्ड अब उस मादा सुअर के हर एक चाल के ऊपर कड़ी नजर रखने की कोशिश किए जा रहा है, और अब ये लेपर्ड उस मादा सुअर के ऊपर हमला करने के लिए एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है। उस मादा सुअर को इस बात की कोई भनक तक नहीं है कि बहुत ही जल्द वो कितने बड़े मुसीबत में पड़ने जा रही है। ये मादा सुअर तो बस अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना चाहती है। वहां पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा सुअर अब धीरे धीरे उस लेपर्ड के बिल्कुल करीब जा पहुंचती हैं। और दोस्तों, जरा देखिए कि उस मादा सुअर को अपने चंगुल में पाते ही कैसे ये लेपर्ड तुरंत उस मादा सुअर के ऊपर हमला कर देता है। उस लेपर्ड के द्वारा किए गए इस अचानक हमले से वो मादा सुअर एकदम बौखला जाती है, और इससे पहले कि वो मादा सुअर कुछ भी समझ पाए वो लेपर्ड पूरी तरह से उस मादा सुअर के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस मादा सुअर को छोड़कर अब उसके बच्चों के पीछे भी पड़ जाता है। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अब एक एक करके उस मादा सुअर के सभी बच्चों को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर शायद ये लेपर्ड उस मादा सुअर के सभी बच्चों को ही अपना शिकार बनाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये लेपर्ड उस मादा सुअर के सभी बच्चों को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए कि कैसे ये लेपर्ड एक के बाद एक उस मादा सुअर के सभी बच्चों के ऊपर हमला करते जा रहा है। ये नजारा सच में ही एक देखने लायक नजारा है।
लेकिन दोस्तों अब सवाल तो ये है कि क्या ये लेपर्ड उस मादा सुअर के सभी बच्चों को मार गिराने में कामयाब हो पाएगा। आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये लेपर्ड उस मादा सुअर के एक और बच्चे को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने में वो मादा सुअर भी अपने आप को संभाल लेती हैं। और दोस्तों अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा सुअर अब अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उस लेपर्ड के पीछे भागने लगती हैं। उस मादा सुअर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब ये लेपर्ड भी थोड़ा घबरा जाता है। और दोस्तों अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस मादा सुअर के एक बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये लेपर्ड बहुत ही फुर्तीले और फ्लेक्सिबल किस्म के जानवर होते हैं, इसलिए किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों एक मादा सुअर के लिए किसी पेड़ के ऊपर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए यहाँ पर यह मादा सुअर एकदम बेबस और लाचार होकर उस पेड़ के नीचे ही खड़ी रह जाती हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये कहानी अब यहीं पर ही खत्म हो जाती है, या फिर इस कहानी में अब कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक हाथी की नजर अब उस लेपर्ड और उस मादा सुअर के ऊपर पड़ जाती है। उस मादा सुअर की इस लाचार हालत को देखकर शायद यहां पर यह हाथी ये बात अच्छी तरह से समझ गया है कि वो मादा सुअर इस वक्त कौन से हालातों से गुजर रही है। और दोस्तों यहां पर अब हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि वो हाथी उस मादा सुअर की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ये बात तो इससे पहले भी हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि जंगल के अंदर भी अलग अलग प्रजाति के जानवर हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हाथी हमारे इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करके दोस्ती की एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो एक हाथी भी किसी बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों मजे की बात तो यह है कि एक हाथी के पास इतना ताकत जरूर होता है कि वो उस पेड़ को ही पूरी तरह से उखाड़ सके। और यहाँ पर अब हम उस हाथी को कुछ ऐसा ही करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों जरा देखिए कि कैसी यह हाथी अपने मजबूत दांतों की मदद से उस बड़े से पेड़ को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया है कि एक हाथी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए अपने ताकत के दम पर यह जीव बड़े से बड़े पेड़ को भी आसानी से गिरा सकता है। जरा देखिए कि कैसी यह हाथी अपने ताकत के दम पर उस पेड़ को हिला रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द वो हाथी उस पेड़ को गिराने वाला है। इस लेपर्ड को इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लग गया है कि अगर वो यहां से जल्दी नहीं भागा तो आज इस हाथी के हाथों ही उसकी मौत एकदम निश्चित है। इसलिए दोस्तों यहां पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस पेड़ से उतर कर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों उस लेपर्ड के इस चाल को वो हाथी बहुत ही अच्छी तरह से भांप लेता है। इसलिए अब हम ये देख सकते हैं कि वो हाथी उस पेड़ को छोड़कर एक बार फिर से उस लेपर्ड के पीछे पड़ जाता है। दोस्तों उस हाथी के डर से अब वो लेपर्ड एक जगह पर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हाथी उस लेपर्ड की इस चाल को भी मात दे देता है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड अपनी जान बचाने के लिए वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। लेकिन दोस्तों शायद उस हाथी को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है और अब ये किसी भी हाल में उस लेपर्ड को नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो हाथी भी अब उस लेपर्ड के पीछे भागने लगता है। जरा देखिए कि वो हाथी कितने तेज रफ्तार से उस लेपर्ड का पीछा कर रहा है। उस हाथी के चंगुल से अपने आप को बचाने के लिए अब वो लेपर्ड भी वहां से भागने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन आज वो हाथी इतनी आसानी से उस लेपर्ड को जाने नहीं देगा।
यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस हाथी से अपनी जान बचाने के लिए अब वो लेपर्ड एक बार फिर से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस हाथी को अब इतना गुस्सा आ गया है कि वो हाथी अब इस पेड़ को भी गिराने की कोशिश करने लगता है। उस हाथी के इस आक्रामक अंदाज को देखकर अब ये लेपर्ड भी डर के मारे कांपने लगता है। और दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस पेड़ से उतरकर एक बार फिर से भागना शुरू कर देता है। दोस्तों, अंततः अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा सुअर अब अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच गई है। लेकिन आज अगर वो हाथी इस मादा सुअर की मदद ना करता तो ये मादा सुअर भी अपने सभी बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। कौन कहता है कि जानवरों के अंदर दिल नहीं होता है, जानवरों के अंदर प्यार करने की भावना नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।